हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ये हमारी न्यू एडिशन बुक है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन जो हमारा ओल्ड एडिशन था उसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है। जब हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो हम उसको, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि उसको हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को, तो हम उसको कंपेयरिंग क्वांटिटीज कहते हैं। और जब हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उससे हम क्या निकालते हैं, हमारी जो है रेशियोज निकलती हैं। ठीक है, तो हमें कई बार जो है सेम चीज दी है, जैसे फ्रूट्स हैं, हमें एप्पल दे रखे हैं, साथ में मैंगोज दे रखे हैं। ठीक है, किसी एक बास्केट के, जैसे आप एक बास्केट दिखा रखी है, इसमें एप्पल और ऑरेंज जो है, ऑरेंजेस जो है इसमें पड़े हुए हैं। तो जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ पे बता रखा है कि एक बास्केट में, बास्केट हैज टू टाइप ऑफ फ्रूट, 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं इसके अंदर। तो अब हमने इस क्वांटिटी को कंपेयर करना है और इसको हमने रेशियो में निकालना है, उसके बाद हम इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रेशियो में कैसे निकालेंगे, तो हमें जो बास्केट में एप्पल्स और ऑरेंजेस दे रखे हैं, हम उसको जो है इस तरीके से लिखेंगे 5/20। यानी कि हम उसको फ्रैक्शन जब हम करते हैं, क्वांटिटीज को जब फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो हम उन क्वांटिटीज को कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन करने के बाद जो हमारा आता है, जैसे 5 बन जा 5 और 5 हो जाए 20, तो ये हमारा आ गया 1/4, जिसको हम लिखेंगे इस तरीके से 1:2। ये हमारा रेशियो का साइन सिंबल होता है और आ गया हमारा 4। तो ये हो गया हमारा 1:4, यानी कि 1 ये हमारा रेशियो का सिंबल हो गया और हमारा 4। तो ये हमने इसको, जो हमें एप्पल्स और ऑरेंजेस दे रखे थे, हमने उसको रेशियो में इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, तो हम हमेशा इसको फ्रैक्शन के थ्रू ही जो है हम रेशियो में इसको निकालते हैं। जब हमारा रेशियो आ जाता है तो हम इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना है, जब भी हमें क्वांटिटीज कोई भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए तो हम उसको फ्रैक्शन के मेथड से इसको रेशियो में निकालते हैं। और एक चीज आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जब भी हमें कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है तो उसको जो यूनिट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें दोनों ही फ्रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, एक बास्केट में दोनों फ्रूट्स दे रखे हैं, तो ये हमारी यूनिट सेम है। कई बार क्या होता है कि हमें जब कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, जब हमें रेशियो में निकालने के लिए बोला जाता है, तो एक हमें रुपीज में दे रखा है, जैसे कि 2 रुपीज, और साथ में हमें दे रखा है 50 पैसा। ठीक है, और अगर हमें इसको रेशियो में निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम इसको रेशियो में नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक हमारा रुपीज में है और एक हमारा पैसे में है। तो जब तक हमारे यूनिट सेम नहीं होते, जब तक ये दोनों या तो रुपीज में होने चाहिए या तो दोनों या पैसे में होने चाहिए, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको रेशो में निकाल पाएंगे। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ में, मैं आपको इसका समझाऊंगी कि इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कई बार मीटर और किलोमीटर दे दिया जाता है तो यूनिट अलग हो जाती है, तो हम उसको रेशो नहीं निकाल सकते, तो हमें उनको भी सेम करना पड़ता है। तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया कि हम रेशो में किस तरीके से निकालते हैं, फ्रैक्शन के मेथड से निकालते हैं। अब जब हमारा फ्रैक्शन निकल आया है, अगर सेम चीज अगर यही सेम चीज हमें परसेंटेज में निकालने के लिए बोली जाए कि इस बास्केट के अंदर 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंज हैं, तो हमें बताएं कि इस बास्केट में कितने परसेंट एप्पल्स हैं, कितने परसेंट ऑरेंजेस हैं, तो फिर हम इसको कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज में निकालने के लिए, जैसे हमारे पास 1:4 है या फिर 4:1 होगा, तो उनमें से अगर कुछ भी होता है, तो हम इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है, अगर 1 का निकालते हैं, 1 हमारे क्या थे, हमारा जो 1 आया है वो ऑरेंजेस के लिए आया है और जो 4 आया है वो एप्पल्स के लिए आया है, क्योंकि हमने क्या किया था, 5/20, तो 5 तो ऑरेंजेस थे और 4/20 जो थे एप्पल थे, तो 1:4 आया था। अगर हम 20/5 करते तो हमारा 4:1 आता। ठीक है, तो अभी हम इससे करते हैं 1:4 से, तो सबसे पहले हम ऑरेंजेस का परसेंटेज निकालते हैं, तो हमारा आएगा 1 और दोनों को हमने प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 5, और इनटू करेंगे हम 100 से। हमेशा जब परसेंटेज निकालना होता है मल्टीप्लाई हम 100 से ही करते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 0, यानी कि 20% जो है उस बास्केट के अंदर क्या है, ऑरेंजेस है। ठीक है, इसी तरीके से हम एप्पल का निकाल लेंगे, तो एप्पल हमारे 4 में आए थे और अपॉन में हमारा आएगा 5, दोनों को प्लस करके इनटू आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 20 आएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% जो है उस बास्केट के अंदर क्या है, एप्पल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेशो में और फिर रेशो को हम परसेंटेज में हम निकालते हैं, ऐसे ऐसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि आपको ये रेशो दी जा रही है और आपको परसेंटेज निकालना है,
तो आपने जो है इसी तरीके से रेशियो से परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे, बता रहे हैं कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 30 बॉयज और 20 गर्ल्स दे रखी हैं। तो यहाँ पर हमें बॉय और गर्ल की अगर रेशियो निकालनी है तो पहले हम करेंगे इसको फ्रैक्शन के थ्रू करेंगे, 30/20। जीरो से जीरो कट हो जाएगा, क्या बनेगा, 3:2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, हम इसको यहां लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज अपॉन में नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, आ गया 3:2। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, पहले हम बॉयज की निकाल लेंगे फिर गर्ल्स की निकाल लेंगे। तो 3 आ गया, दोनों को प्लस किया, 5 × 100, तो 5 × 5 = 20 हो गया, 3×2 = 6, यानी कि 60% क्या हो गए, बॉय हो गए। इसी तरीके से हम गर्ल का निकालेंगे, क्या आया था, 2/5 × 100। ठीक है, यहाँ पे भी 20 हो गया और 2×2 = 4, यानी कि 40% क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। तो 60% हमारे बॉयज हो गए और 40% हमारी गर्ल हो गई। तो जब भी हमें नंबर दिया जाएगा हम उसको फ्रैक्शन की मेथड से रेशियो में निकाल सकते हैं, और फिर जब हमारी रेशियोज आ जाती हैं तो फिर हम उसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो ये दो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं फ्रूट्स का और बॉय गर्ल्स का, कि किस तरीके से हम रेशियो और उसको परसेंटेज में निकालते हैं। अब हम देखते हैं आगे, अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ नंबर। जैसे कि हमें कोई नंबर दे रखा है, जैसे मान लो हमें 400 दे रखा है, ठीक है, और हमें इसका 20%, 30% या कितने भी परसेंट निकालने के लिए हमें बोला जाता है। अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है और आपको बोला जाता है इसका आपने 20% निकालना है, तो हम इसका 20% कैसे निकालेंगे। सिंपल है कि आपने जो है 20/100 × 400, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 20 को 4 से 4 2 = 8, 80, यानी कि 400 का 20% होता है 80। या फिर हमसे बोला जाता है कि 72 का हमें 25% निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 72 × 25/100। अब हम इसको 25 × 25, 25 × 4 = 400, 4 × 4 यहाँ पे हम करेंगे 4 × 4 और 4, पहले हम इसको सीधा हम इसको 4 से कर सकते हैं, तो 4 × 4 इधर 3 चला जाएगा, तो 4 × 8 = 32। तो हमारा जो 72 का 25% है वो है 18। ठीक है, ये हमने नंबर्स में निकाले हैं। यहाँ पे हमने 400 का 20% क्या होता है 80 और 72 का 25% 18। आपके पास कोई भी नंबर दे रखा हो, आपने उसको अपॉन में 100 करके जब वो कट सकता है, जितना कर सकते है उसको काटना है, तो हमारा जो है वो परसेंटेज का जो है नंबर निकल आता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अब हम देखेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज की, जब परसेंटेज को इंक्रीज और जो डिक्रीज जो है वो किस तरीके से होती है, कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई चीज आप खरीदने गए, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो एमआरपी, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक एमआरपी लिखा होता है, तो एमआरपी आपको उसके ऊपर लिखा हुआ है 840 रुपीज। ठीक है, लेकिन आपको जो है जो शॉपकीपर है उसने आपको वो जो चीज सेल करी है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसका, वो उसने आपको 714 रुपए में उसने आपको दे दिया, 714 रुपीज में उसने आपको वो चीज दे दी, लेकिन उस पर एमआरपी कितनी है 840 रुपीज। तो आपको जो है कितने का जो है उसमें आपको कितने का उसमें डिस्काउंट मिला, ठीक है, कितने पैसे उसने आपके कम करे, तो हम देखेंगे 126 रुपीज का जो है आपको उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब 126 का जो उसने डिस्काउंट दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो 126 है ये कितने परसेंट जो है वो हमारा, कितने परसेंट हमारा ये डिस्काउंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा इस चीज का, तो वो हम इसका जो है परसेंटेज निकालेंगे। अभी हम इसमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज समझेंगे, और साथ में अभी जो हम इसमें समझेंगे वो समझेंगे डिस्काउंट परसेंटेज जो भी हम इसमें कर रहे हैं। पहले हम इसमें डिस्काउंट परसेंटेज समझ लेंगे, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज समझेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा एग्जांपल है ये है हमारा
डिस्काउंट परसेंटेज का एग्जांपल कि हमारा जो चीज है, हम कोई भी ड्रेस खरीदने जाते हैं, कोई और चीज लेने जाते हैं, तो उसपे 840 रुपीज हमारा एमआरपी है, और उसपे जो उसने हमें सेलिंग प्राइस दिया, जिसपे उसने हमें चीज दी 714 रुपीज से, इसका मतलब ये, इट मीन्स कि उसने हमें 126 रुपए का, 126 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट, ठीक है, ये तो हो गया हमारा रुपीज के अंदर। अब हमें जो है परसेंटेज में बताना है कि उसने हमें कितने परसेंट जो है वो डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितना उसने हमें डिस्काउंट दिया और जितना एमआरपी था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जितना डिस्काउंट मिला और जितना एमआरपी था उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। जीरो से जीरो कट हो जाएगी। अब आप इसको 2 से कट कर दो, 2 5 10, 2 4 2 2, ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा दोनों के दोनों, 2 2 2 1, फिर 2 6 2 3, फिर ये हमारा किससे हो जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 7 3 2 3 1, फिर 7 1 7 और 7 3 21, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो आ गया 15%। यानी कि जो उसने 126 रुपीज जो हमें डिस्काउंट दिया वो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज था 15%, 15% जो उसने हमें छूट दी, 15% जो उसने हमें डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब हमें जो है एक एमआरपी दे रखा है 220 रुपीज, ठीक है, 220 रुपए हमारा एमआरपी है, कोई भी हम शर्ट या कुछ भी खरीदने गए उस पर 220 रुपीज एमआरपी है। अब उस शॉपकीपर ने बोला कि आप जब इसको खरीदोगे तो आपको ये 20% डिस्काउंट पे मिलेगी। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज दे रखी है, पहले हमें अमाउंट दे रखा था, परसेंटेज निकाला था, अब हमने हमारे पास परसेंटेज, हम अमाउंट निकालेंगे 20% डिस्काउंट, तो हमें क्या पता चलेगा कि 220 का 20% क्या होता है। तो उसी तरीके से करेंगे, 220 इंटू 20%, 20 के साथ परसेंट है तो 20/100 हो जाएगा, 10 से 10 यहाँ कट जाएगी, 2 1 2, 2 5 10, फिर से हम इसको 5 से कर लेंगे यहां से, 5 1 5, 5 4 20, 2 चला जाएगा, 5 4 20, तो कितना आ गया, 44 रुपीज। यानी कि 220 पे 20% डिस्काउंट का मतलब है कि हमें जो है 44 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से हम डिस्काउंट निकालते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं हमें डिस्काउंट बोला जाता है तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी अमाउंट हो और जितने परसेंट डिस्काउंट हो और अपॉन में 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100, 220 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब हम देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। जैसे कि मान लो हम आपकी बुक में से एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमें एग्जांपल नंबर 2 में दे रखा है कि मैं आपको दिखा देती हूँ, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, यानी कि एक स्कूटर का जो प्राइस है लास्ट ईयर वो 34,000 था, इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ, अब जो है इसका 20% प्राइस जो है वो इंक्रीज हो चुका है, तो अब उसका प्राइस क्या होगा। सो सिंपल, हम 34,000 का 20% निकाल लेंगे और 34,000 में प्लस कर देंगे तो उतना ही इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल इसी तरीके से पहले हम 34,000 का क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे, 20/100, ठीक है, यहाँ पे 20 से 20 कट जाएगी और 34, अब हमारे पास बचा 340 × 20, तो हम 340 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6,800, ठीक है। तो जो हमारा 34,000 स्कूटर का प्राइस लास्ट ईयर था उसमें हम इतना जो है इसका 6,800 रुपीज प्लस कर देंगे तो हमारा जो प्राइस बन जाएगा 40,800 रुपीज बन जाएगा। यानी कि अब जो उसका प्राइस है वो इतना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज परसेंटेज मतलब इतना प्राइस उसका इंक्रीज हो गया है स्कूटर का। इस तरीके से हम इसका इंक्रीज परसेंटेज निकालते हैं। अगर इसी तरीके से हमें डिक्रीज निकालना, हमें बोला गया है कि जो स्कूटर 34,000 का लास्ट ईयर था अब वो 5% जो है उसका प्राइस डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, तो सेम उसी तरीके से 34,000 इंटू 5/100, 20 से 20 कट जाएंगी और 340 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1700, ठीक है। अब हम 34,000 में से माइनस कर देंगे 1700 को तो हमारा आ जाएगा 32,300 रुपीज, ठीक है, इतना प्राइस जो उसका डिक्रीज हो गया। तो जब भी हमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता है तो हम उसी तरीके से निकालते हैं जो हमें इसमें
जिस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं नॉर्मल नंबर्स का, किसी भी नंबर का, उसके बाद हमने बस उसको प्लस, अगर इंक्रीज हो गया तो हम उस अमाउंट में उसको प्लस कर देंगे, डिक्रीज हो गया तो उस अमाउंट में उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज डिक्रीज और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब हम इसमें आगे देखते हैं, अब हम इसमें देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी हम कोई चीज किसी से परचेज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक जो है कोई ड्रेस मैंने ड्रेस खरीदी है, या मैं ड्रेस जो है उसका प्राइस यहां पर मैं लिख देती हूँ 300, ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि मैंने जो ये ड्रेस परचेज करी 300 रुपीज में परचेज करी। अब मैं ये ड्रेस आगे सेल कर दूंगी तो इसका जो मैं सेलिंग प्राइस रखूंगी, इसका मैं सेलिंग प्राइस रख दूंगी 425 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि मैंने तो 300 रुपीज में परचेज करी, लेकिन मैंने आगे जब किसी को सेल करी तो 425 रुपीज की सेल करी। तो यहाँ पे हाँ, इसका जो कॉस्ट प्राइस क्या है और यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 300 और सेलिंग प्राइस है 425 रुपीज। तो दोनों में से आप देखो कौन सा आपको ज्यादा लग रहा है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो जब भी हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो हम इसका मतलब ये होता है कि हमें उस चीज के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। सेम अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं कोई कॉस्ट प्राइस इसका, अगर इस ड्रेस का 425 रुपीज और इसको मैं सेलिंग प्राइस सेल करूं 300 रुपीज में, अब इसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया तो इट मीन्स मुझे इसके अंदर लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि जितने की चीज हमने खरीदी अगर हम उससे ज्यादा की बेच रहे हैं तो प्रॉफिट, और जितने की हमने खरीदी अगर हम उससे कम की सेल कर रहे हैं तो हमें लॉस। तो ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस। अब हमें प्रॉफिट और लॉस के ऊपर परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता है, कई बार हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला जाता है, कई बार हमें परसेंटेज दे रखा होता है, हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जाता है। तो कई तरीके से इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, अभी हम इसमें प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वो हम इसमें समझेंगे। एक एग्जांपल हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोहन बोट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर रूपीज 2500, देन स्पेंड 500 ऑन इज रिपेयरिंग एंड सोल्ड फॉर द 3300, फाइंड इज लॉस और गेन, ठीक है, परसेंटेज। तो इसमें ये बोला गया है कि सोहन ने जो एक फ्रिज खरीदा इतने का और 500 रूपये उसने उसके ऊपर 500 रूपीज और लगाए उसको थोड़ा रिपेयर करवाने के लिए, और रिपेयर करवाने के बाद उसने जो है इतने रुपए का उसको सेल कर दिया। अब हमें बताना है इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यही से हम देख लेते हैं कि जो उसका कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा, उसने इतने का खरीदा, इतने का उसने उसके ऊपर और खर्चा किया, तो टोटल वो उसको जो 3000 रुपीज का फ्रिज पड़ गया, लेकिन जब उसने उसको सेल किया तो 3300 रुपीज का सेल किया। इसका मतलब यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया ना, तो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता तो इट मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ। और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमने उसके सेलिंग प्राइस में से उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसको माइनस कर दिया, तो हमें ये पता चल गया उसको 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब जो उसको प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालने के हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर हम जो है हमेशा प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर जितने का लॉस हुआ है वो लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और साथ पे हम 100 लिखते हैं। दोनों का फॉर्मूला हमारा सेम है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखना है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस लिखना है। तो अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट का बता रहा है, तो प्रॉफिट उसको 300 हुआ और उसका जो कॉस्ट प्राइस था 3000 था, 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 20 से 20 यहाँ कट जाएंगी और 10 से 10 यहाँ कट हो जाएगी, बचेगा 30/3, तो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, यानी कि उसको 10% का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से हम लॉस भी निकालते हैं सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि कई बार हमें जो है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोल दिया जाता है, कई बार हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो हम कैसे निकालते हैं। अब जब हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जाता है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, 100 प्लस जो भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होता है अपॉन में 100 और इनटू सीपी जो हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना तो 100 मान लो हमें 60% जो है प्रॉफिट दे रखा है, 16%, तो 16 अपॉन में 100 हो जाएगा और हमारा कॉस्ट प्राइस है 1400,
तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पे हमारी ये दो जीरो से दो जीरो जो है वो कट हो जाएगी, चाहे आप इधर से कट कर लो चाहे वो आप इधर से कट कर लो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे मैंने दो जीरो से दो जीरो कट कर दी, तो क्या बना, अगर मैं 100 के अंदर 16 को प्लस करती हूँ तो 116 बनेगा इंटू 14 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1624 आया। ठीक है, ये हमारा आया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा होता है, कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है और हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जाता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर प्रॉफिट की जगह अगर लॉस परसेंटेज दे रखा है तो हम प्रॉफिट में प्लस करते हैं और लॉस में माइनस करते हैं। ठीक है, और हमने फॉर्मूला वही लगाना है, 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। जैसे कि देखो हमने मैंने यहाँ पे किया ये 100 माइनस में लॉस, लॉस कितना हुआ यहाँ पे हमारा 4%, तो 4 अपॉन में 100 इंटू 4000, 100 में से 4 माइनस किया 96, यहाँ पे ये दो जीरो से दो जीरो जो है वो कट हो जाएगी, बचा 40, तो 96 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो इसके अंदर जो हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस आया, ये हमारा इसके अंदर सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना आपने, यही फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, 100 उसके साथ प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस लॉस, और इसी तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला जाता है, तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला, तो सेम वही चीज, सेम वही फॉर्मूला है, मैंने बस इसको अब ऊपर 100 लिख दिया, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट लिख दिया, इंटू सेलिंग प्राइस, यानी कि जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मैंने के ऊपर 100, यहाँ पे 5% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 5 105 इंटू इससे, फिर हम 2000 जो है इसका सेलिंग प्राइस है, उससे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कट नहीं रहा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये कर सकता है जब तो काट लो, नहीं तो आप इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरीके से कॉस्ट प्राइस में अगर लॉस में दे रखा है तो हम ऐसे ही करेंगे। अब हम समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट जो हमारा होता है ना, उसमें हमारी तीन चीजें होती है। या तो आप इसको ले लो कि आपने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, किसी से आपने उधार लिए पैसे, तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो आप लेते हो किसी से उधार, या फिर आप ये भी कह सकते हो प्रिंसिपल वो भी अमाउंट होता है, या फिर आपने बैंक में कुछ पैसे जो जमा करवाए, आप दोनों चीजें ले सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा बैंक से भी हमें मिलता है, जब हम कोई हम कोई डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तब भी उसके ऊपर कुछ हमें इंटरेस्ट मिलता है, या फिर हम बैंक से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो हमें वो कुछ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उधार देता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल मान लो मैंने यहाँ पे जो है 2000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% कि मुझे जो है 2000 पे 10% मिलेगा, कितने साल के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं 2 साल के, 2 साल में मुझे जो बैंक है 2000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, यानी कि पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा है पर एनम, यानी कि हर साल का। अब हमें इसके ऊपर निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कि जो मैंने इसके ऊपर बैंक में पैसे जो मैंने डिपॉजिट करवाए हैं वो 2 साल के बाद इंटरेस्ट लग के कितने हो जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे हमारा पी कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंट है तो 100 आएगा ही आएगा, और टाइम है हमारा 2 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, बचेगी 1 जीरो। 10 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है हमारा 200 आता है हमारा, और 200 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आ जाता है यहाँ पे 400। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो डिपॉजिट करवाए थे वो 2000 थे, लेकिन 2 साल के बाद मुझे वो कितना मिलेगा, जितना भी मेरा अमाउंट है उसमें मैं क्या प्लस कर दूंगी, जो मेरा इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट कितना है हमारा यहाँ पर, जो प्रिंसिपल है आप प्रिंसिपल लिख दो यहाँ पे, जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 2000 रुपीज, उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना ऊपर 400, तो कितना हो गया 2400। यानी कि जो मैंने प्रिंसिपल 2000 रुपीज डिपॉजिट करवाया, 2 साल के बाद वो मेरा 2400 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसके ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट मिला। सेम यही चीज अगर आप लोन के ऊपर लेते हो, किसी चीज पे उधार पे लेते हो, आपने किसी से 2000 रुपीज आपने किसी से बोरो किए या बैंक से आपने लोन लिया, वो आपको 10% पर एनम पे उन्होंने लोन दिया 2 साल का,
तो उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पड़ा, सेम इसी तरीके से निकालना कि आपने लिए तो 2000 रुपीज थे लेकिन आपको कितने देने पड़ रहे हैं वापस बैंक को, 2 साल के अंदर 2400 रुपीज, यानी कि 400 रुपए आप 2 साल में एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक है, अब मैं अगर ये मैंने एक साथ 2 साल का निकाला, अगर मैं एक एक साल का निकालूं, यहां मैंने 2 साल लिख दिया टाइम, अगर मैं सिर्फ 1 साल का निकालूं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 2000, आर कितना है 10 अपॉन में 100 इंटू टाइम हमारा 1 साल, क्योंकि 2 साल के लिए मैंने ये जो है पैसे लिए लोन बैंक से, ठीक है, या फिर मैंने 2 साल के लिए जमा करवाए, तो पहले मैं पहले साल का निकालती हूँ। यहाँ पे जब 20 से 20 कट हो जाएगी और 20 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपीज आया, यानी कि 1 साल के अंदर जो मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 200 रुपीज पड़ रहा है। और अगर मुझे 2 साल के लिए मुझे जो है मैंने बैंक में जो डिपॉजिट करवाई मनी वो 2 साल के लिए करवाई, तो 200 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 साल के लिए, तो 400 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 साल का 400 निकाला था ना, ये मैं आपको 1 ईयर का 1 साल का करके क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाऊंगी तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते, इससे हम कंपेरिजन कर पाएंगे उसको। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर हम 1 साल का देखें तो सिर्फ 200 रुपीज इंटरेस्ट पड़ रहा है, वही 2 साल में इसका डबल हो जाएगा 400 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, डबल हो गया। अगर 200 रुपीज 1 ईयर का है तो 2 ईयर का कितना हो गया 400, तो 3 ईयर्स का कितना हो जाएगा, उसमें फिर हम उसको 200 रुपीज प्लस कर देंगे तो 600, ऐसे 4 ईयर्स का 800, तो हमारा सारा का सारा सेम चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हमें 1 ईयर निकालने की जरूरत नहीं होती, जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है जो भी हमें यहाँ पे टाइम दे रखा होता है हम इसी तरीके से करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक तरीका बताया है कि किस तरीके से एक एक साल का भी हम इंटरेस्ट निकाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो आपने पी इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला लगा के अपॉन में 100 करना है, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 4 साल हो, आपने इसी तरीके से करना और आपका जो है पूरा का पूरा जितने भी साल का है आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया था, अब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने आपको क्यों बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे हमने इसमें ये निकाला था ना 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हम एक साथ जो है 3 साल 4 साल का जो है इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जब हमें सेम यही चीज, यही मैंने 2000 रुपीज डिपॉजिट करवाए 10% पे 2 ईयर्स के लिए, तो हमें इसके ऊपर कितना एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके लिए देखो सेम आप इसी फॉर्मूला जो मैं आपको इससे पहले समझाती हूँ, पी इंटू आर इंटू टी, तो पहले साल में तो जो है कितना लगेगा, ये 200 रुपीज जो है वो पहले साल में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, लेकिन इस पे 200, अब हमारा प्रिंसिपल क्या आया था, प्रिंसिपल कितना है 2000, नेक्स्ट ईयर के लिए हम इस 2000 में जो हमारा प्रिंसिपल था इसके अंदर जो हमारा पहले साल में जो हमारे इंटरेस्ट लगा है 200 रुपीज ये हम प्लस कर देंगे। इस तरीके से ये इस फॉर्मूले से हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दूसरा होता है, आपको समझाने के लिए बता रही हूं, तो हमारा बन जाएगा 2200। ठीक है, अब जो इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा 10%, अब वो इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। पहले साल जो है हमारा प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा कितना 200, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को प्लस करके अब हमारा 10% जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। इसका हमें 10% निकालना पड़ेगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो अब हमारा कितना हो जाएगा पी 22। ठीक है, आर कितना है हमारा 10, टाइम हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे क्योंकि पहले ये फर्स्ट ईयर का हमने यहाँ पे 1 लिखा, सेकेंड का भी 1, 1 साल का भी हमें और निकालना है, तो 2000 से 2000 कट होगी, 22 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 220 रुपीज। पहले साल तो हमारा 200 रुपीज इंटरेस्ट लगा था और दूसरे साल अब हमारा 220। अब हम क्या करेंगे, 2200 रुपीज में 20 इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0242, कितना इंटरेस्ट हो गया दूसरे साल में, अब हो गया हमारा 2420 रुपए। ठीक है, अगर मैंने 2000 रुपए बैंक में जब जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए 2000, पहले साल तो मुझे 200 रुपीज इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल के बाद मेरे पैसे कितने हो गए 2200 रुपए। फिर नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से
2200 रुपीज के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिला, अब मेरे पैसे हो गए 2420 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो भी आपका पहले साल में इंटरेस्ट लगता है, दूसरे साल में आपका जो है, जो भी आपका पहले साल में आपने इंटरेस्ट है आपका, वो आपका प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, फिर दूसरे साल इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर आपका आपने इसका 10% निकाला, अब आपको अगर तीसरे साल का निकालना है तो अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा, अब आप इसके ऊपर 10% निकालेंगे। लेकिन इतना लंबा, इतना लेंथी हम जो है वो नहीं करते। तो इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट पी 1 + R/100, और जितना भी टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे एन या टी, दो जो भी लिख सकते हैं आप, हमारे पास 2 ईयर्स है तो हमने 2 लिख दिया, नहीं तो यहाँ पे एन या टी आता है, एन मतलब टाइम के लिए, यहाँ पे मैं टी लिख देती हूँ टाइम के लिए, ठीक है। अमाउंट हमें अभी निकालना है, तो प्रिंसिपल है हमारा 2000 रुपीज, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10/100, और 2 साल के लिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2000, 0 से 0 कट हो जाएगी। अगर हम इस यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे जब, ठीक है, अपॉन में 1 करके, अब जो हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 ऊपर आ जाएगा, हमारे 1 को 10 से हम डिवाइड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 10, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ आ गया 1, तो कितना आ गया 11/10। अब आ जाएगा हमारा 2000 × ये हमारा 2 टाइम आएगा क्योंकि 2 साल के लिए था, तो 11/10 × 11/10, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगी, बाकी क्या बचा 20, 11 और 11, इन चार, इन तीनों को जो है अब हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 2420। देखो हमने सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला लगा के हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, यहाँ पे अमाउंट निकाल लिया हमने, अभी यहाँ पे अमाउंट निकाला, अभी इंटरेस्ट हम इसको माइनस करके निकालेंगे। सेम अमाउंट हमारा यहाँ पे भी आया था जब हम इसको एक एक साल करके निकाल रहे थे, पहले साल का फिर उसके ऊपर दूसरे साल का, तो सेम अमाउंट हमारा यहाँ पे भी आया। तो ये जो है टोटल उसने जो है 2000 रुपीज डिपॉजिट करवाए बैंक में और 2420 रुपीज जो है उसका वो अमाउंट बन गया। अब इसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको वो कितना है, तो जितना भी हमारा इंटरेस्ट आया, जो हमारा जितना भी हमारा अमाउंट आया है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 रुपीज। ये जो है उसका 2 ईयर्स का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जो है वो हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हमने जो है सारे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। बाकी जो इससे आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे 8.3 एक्सरसाइज में, उसमें और भी चीजें जो हमें अभी इसको समझनी है, तो जब जब हम साथ में वो क्वेश्चन करेंगे और भी इसको जो है हम ज्यादा उसमें समझ लेंगे।